और देखिए अहम खबर है, नाटो देशों पर अंडर सी अटैक की हो रही है तैयारी। इंटरनेट केबल को निशाना बना सकता है रूस। नाटो देशों के इंटरनेट सप्लाई को ठप करने की प्लानिंग हुई है। जीपीएस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है रूस के द्वारा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। नाटो इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो ये चौंका देने वाला प्लान आखिर है कि आपको बताते हैं। रूस का अंडर सी अटैक प्लान, समंदर में बिछे इंटरनेट केबल पर हमला कर सकता है रूस। नाटो देशों के इंटरनेट सप्लाई को इसके जरिए ठप किया जा सकता है, इसकी तैयारी है। ग्लोबल कम्युनिकेशन का 95% 95% अंडर सी केबल पर निर्भर है। हर दिन $10 ट्रिलियन का वित्तीय लेन देन होता है इन्हीं के जरिए। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश अंडर सी केबल पर निर्भर हैं और अब इन पर हमले की जा रही है तैयारी। और रूस की नौसेना समंदर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रही है। 12 समुद्री क्षेत्रों में अमेरिका और नाटो के खिलाफ खतरनाक नेवल ड्रिल की जा रही है। रूस के 400 युद्धपोत और 125 एयरक्राफ्ट समंदर में सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ गर्जना कर रहे हैं। इसके अलावा 7 समंदर में रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। रूस को चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन की सेना ये युद्धाभ्यास, ये तैनाती, मिसाइलों का आयात आखिर कर क्यों रही है। रूसी सेना समुद्र में महामंथन कर रही है। समंदर में मिसाइल फायर की जा रही है। तोप और गन से लाइव फायरिंग हो रही है। समंदर के ऊपर रूसी बॉम्बर विध्वंसक गर्जना कर रहे हैं। समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर भी हमले का अभ्यास हो रहा है। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। रूसी सेना एक साथ समुद्र में 12 जगहों पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस नेवल ड्रिल का नाम है ओशन 2024। यह अमेरिका और नाटो के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल है। ये नाटो के अस्तित्व को खत्म करने का अभ्यास माना जा रहा है। ये युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर में विध्वंसक गर्जना कर नाटो के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी।